400 पार के जनारे दे रहे हैं, कैसा है? ये सब जुमला है सर, ये सब जुमला है। 400 पार कर पाएंगे? जुमला है, जुमला है। 400 पार होगा या आपकी 250 भी नहीं पार होगा? ऐसा क्यों? हमको लगता है वैसा, इनके सरकार में थोड़ा गुंडा ही कम है। तो इनके गुंडा ये खुद है तो गुंडा ही कम होगी। कौन गुंडा है? हमारे बाबा जी। कौन वादा? मोदी ने वादा किया राम मंदिर बनाया, इससे बड़े क्या चाहिए? कितने आदमी आए चले गए, मंदिर कोई कुछ नहीं मंदिर पाया। ताजमहल बेचा था, आगरा बेचा था, अब की यहाँ बीजेपी के सुपड़ा साफ है। बीजेपी सुपड़ा साफ। नमस्कार, मैं जुबैर और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में। 2024 का चुनाव हो रहा है और दो चरणों के मतदान हो चुके हैं और प्रतापगढ़ में छठे चरण में मतदान है। इससे पहले ये जान लिया जाए कि प्रतापगढ़ की जनता क्या सोचती है। यहाँ से संगम लाल गुप्ता बीजेपी से सांसद हैं और नरेंद्र मोदी के 10 साल कैसे रहे और संगम लाल गुप्ता के 5 साल कैसे रहे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि इनका मुद्दा क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी, अपना नाम बताइए। निजामुद्दीन। क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि 400 पार के जो नारे दे रहे हैं, कैसा है? ये सब जुमला है सर, ये सब जुमला है। 400 पार कर पाएंगे? जुमला है, जुमला है। 400 पार होगा या आपकी 250 भी नहीं पार होगा? ऐसा क्यों? हमको लगता है वैसा। यहाँ गरीबों को राशन खिला रहे हैं मोदी तो राशन से कोई कुछ होता है? राशन खा के कितना दिन जिंदा रहेंगे? राशन खा के हम कितना दिन जिंदा रहेंगे? जनता समझदार हो गई है, यहाँ की जनता सब समझदार है। जिस मुद्दे पे बात करना है हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम बेरोजगारी यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, बेरोजगारी है। हाँ, यहाँ बहुत। अरे बोले 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। 2 करोड़ देंगे जीतने के बाद देंगे ना। जीतने के बाद वो पलटी मार गए तो हम लोग क्या करेंगे? हम भी बोल रहे हैं जीतने के बाद ये देंगे तो हमको जिताओ। हाँ। क्या हम देंगे? वो जीतने के बाद दुनिया पलटी मार जाती है। राशन तो दे ही रहे हैं। तो राशन यार 5 किलो दे रही है, हमारा 50 बीघा खेत है, पूरा तो चट डाल रहे हैं। हाँ। गाय की रक्षा हो रही है? गाय की रक्षा नहीं हो रही है, गाय जाके वहाँ देखो। हाँ। वहाँ जाके देखो गाय की कितनी दुर्गति हो रही है। गाय की दुर्गति हो रही है? वहाँ गौशाला है। हाँ। वहाँ गौशाला है, रोज 1-2 रोड पे मरी मिलेंगी। जाके आप गौशाले में देख लीजिए क्या गाय की सुरक्षा हो रही है, जाके देख लीजिए। रोजगार मिला कि नहीं मिला आपको? रोजगार क्या मिल रहा है, घूम रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। कहीं नौकरी भी तो नहीं मिल रही है। आत्मनिर्भर बन गए कि नहीं? निर्भर कहाँ बने हैं हम। हाँ। कह रहे पकौड़ा भी तल लो, वो भी रोजगार है। अरे यार पकौड़ा तल के कौन खाएगा? हाँ। कौन खाएगा पकौड़ा तल के? क्या मुद्दा है इस बार 2024 के चुनाव में? 2024 में यही है कि एसपी सिंह पटेल हमारे यहाँ से सांसद बनेंगे, हम उनको वोट देंगे। इंडिया एयरलाइंस को जिताओगे? जी। अरे कह रहे कांग्रेस को जिताओगे तो पंजा ये तुम्हारे जो संपत्ति है लूट लेगा। ये क्या छोड़े है बता देगा? हाँ। ये क्या छोड़े, ये तो हमारी लोग की जिंदगी भी लूट लेंगे। हाँ। वो तो कम से कम है सर, पैसा लूट रहा है, ये तो जिंदगी लूट ले रहे हैं। मार डाल रहे हैं भैया। अरे कह रहे हैं कि बहन बेटियों का जो मंगल सूत्र है ये भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अरे यार सुरक्षित तो क्या रहता है, कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं सुरक्षित नहीं था? कांग्रेस कितना साल राज की? तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना सुरक्षित नहीं रहेगा, कांग्रेस सरकार आ गई तो सब सुरक्षित रहेगा। इनके सरकार में थोड़ा गुंडा ही कम है। तो इनके गुंडा ये खुद है तो गुंडा ही कम होगी। कौन गुंडा है? हमारे बाबा जी योगी बाबा गुंडा हैं। तो गुंडा खुद है तो गुंडा ही कैसा नहीं कम होगी? अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। अरे वो खुद अपराध करते हैं तो अपराध मुक्त क्या बनाएंगे? क्या अपराध कर दिया? क्या अपराध नहीं किए हो? हाँ। 10 मुकदमा चल रहा है। अरे अपराधी थर थर कांपते हैं उत्तर प्रदेश के। अरे यार जब वो सबसे बड़ा गुंडा वो खुद है तो उससे और गुंडा कांपेंगे है ही। कांपेंगे तो जरूर भाई। अरे कह रहे योगी गुंडा है, कह रहे हैं यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हीं की सरकार में दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया था। हाँ, अब कुछ सुनने वाला कोई नहीं है, मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ, रातों रात जला दी गई हाथरस में। हाँ, तो दलितों का उत्पीड़न हुआ और भी कई आपको कारण बताएंगे कि वो अपराध को बढ़ावा देते हैं। अरे कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका साथ काम केवल अपना।
उनका नारा ये है काम है उनका, साथ सबका, धर्म के नाम पर साथ सबका लेंगे, लेकिन काम केवल कुछ ही लोगों का होता है। इंडिया अलायंस को लेके आएंगे इस बार? बिल्कुल। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो पंजा है ये तुम्हारे संपत्ति को लूट लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2014 के पहले हम लोग भिखारी थे, अब हम लोग राजा हो गए हैं। हाँ, उनके कहने के मुताबिक मोदी जी कह रहे हैं सब गरीबों को राशन तो खिला रहे हैं, तो राशन खिला रहे हैं, हमारा अधिकार छीन रहे हैं। राशन से क्या होगा? 5 किलो राशन दे रहे हैं, पेट भर के मेरे अधिकार को छीन करके हमें गुलाम तो बना रहे हैं। अब गुलाम बना, बिल्कुल बनाया जा रहा है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। रोजगार मिल रहा है? रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। काबिलों को रोजगार मिल रहा है? काबिल यहाँ कौन नहीं है? हम काबिल नहीं है या फिर ये काबिल नहीं है? सब काबिल है, काबिल सब। रोजगार मिला कि नहीं? रोजगार कहीं नहीं मिल, कहाँ रोजगार दे ही रहे हैं जो मिलेगा। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर ये किस तरह प्रकाश बना रहे हैं लोगों को राशन दे के? अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निवीर 4 साल पे जाएगा सीमा पे, वो शहीद होके आएगा, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी आर्मी की, ये कोई नौकरी है? देश हित में तो कुर्बान हो जाओगे। देश हित में कुर्बान, पूरा देश कर देंगे। 4.5 साल याद रखिए, ये पूरा देश कुर्बान कर देंगे किसी तरीके से। तो 4 साल की नौकरी सही नहीं है? बिल्कुल नहीं सही है। 4 साल की नौकरी अफसरों के लिए आया था, सिपाहियों के लिए नहीं आया था। क्या लगता है 2024 में कौन, मोदी या इंडिया अलायंस? लद्दाख में कब्जा कर लिया, ऐसी बड़ी बात कहा है? चाइना कब्जा कर लिया है? अरे मोदी जी लाल आंखें दिखाते हैं, करो कब्जा कर लिया। लाल दिखाओ जाए, पीला दिखाओ भाई, बात लग गया। अरे कह रहे हैं चाइना में लद्दाख में कब्जा कर लिया है। अरे जो आगे आया है उसको देखो, जो पीछे की बात है उसको क्या कह रहे हैं। जो सामने दिख रहा है कोरोना काल से लेकर मोदी जी ने यहाँ क्या किया, पहले रुक जाइए। कोरोना काल से लेकर एक एक आदमी परेशान था, मोदी जी ने उसके लिए क्या किया, रुक जाइए। गरीबी रेखा में आदमी परेशान थे, एक पैसे घर से नहीं निकल रहा था आदमी, पहले रुकिए। करोड़पति नहीं, यहाँ जो राशन दिला रहा उसी से आदमी का घर चल रहा था, ठीक है। एक एक रुपए लिए गरीब परेशान था, कौन जा रहा था गरीब के घर पूछने, अपने घर से तो कोई निकल नहीं पा रहा था। आज उसने राशन देकर कम 2 पैसे की जतन लगाकर आदमी घर बाजार कर रहा है, अपनी जतन कर रहा है, भूखा नहीं मरा। आप कह रहे हो मैंने जो सामने आया है कहा, कितनी मोदी जी बचा लिए कोरोना में लोगों को। बिल्कुल बचाए मोदी जी ने। इसके पहले भी महामारी आई थी, कांग्रेस की सरकार में पोलियो का टीका लगा था, कई चीजें हुई थी, निःशुल्क हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी ने मुफ्त में आपको इंजेक्शन, ये इनका दायित्व था। अगर इनकी जगह पे कांग्रेस सरकार होती तो उनका भी यही काम था। आपको कभी टीका को नहीं लगा था कांग्रेस सरकार में? कहाँ लगा है? पोलियो तो ऐसे ही लगेगा यार, पोलियो आएगा तो टीका। ये महामारी का टीका मोदी जी ने लगवाया कि नहीं लगवाया? लगवाया, लेकिन कांग्रेस ने भी टीका लगवाया। कौन कांग्रेस नीति, कौन कांग्रेस, जो उसकी नीति है, जिसकी सरकार है उसकी बात कीजिए। अरे कह रहे बेरोजगारी बहुत है, खड़ा होगा तुम अपना पहले जमीर देखो, हमारा मत देखो। अरे बताइए, कह रहे बेरोजगारी बहुत पड़ गई है। बेरोजगारी आदमी तो ऐसे भी, एक घर में 5 आदमी है, 10 आदमी हो, मैंने वो तो ऐसे बढ़ रही है। तो क्या मोदी जी या कांग्रेस जी सबको रोजगार दे दिया था? हमको बताइए, हम कहा कांग्रेस जी ने, कौन वादा? अरे मोदी ने वादा किया राम मंदिर बनाया, इससे बड़े क्या चाहिए? कितने आदमी आए चले गए, मंदिर कोई कुछ नहीं, मंदिर वोट करेंगे, मंदिर के नाम पे वोट करेंगे। बिल्कुल राम के नाम पर वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल, विकास के नाम पे नहीं, विकास के भी नाम पर करेंगे। विकास भी उन्होंने किया, क्या नहीं किया, क्या विकास हुआ है? एयरपोर्ट बनवाया, देखो यहाँ जो झमेले आकर एयरपोर्ट भी बनवाया। अरे बन रहा है, जाकर देखिए, हम कहते स्टेडियम बनवा दिया, इतना बड़ा स्टेडियम बनवाया, उसको आप पता करिए। आप इस तरह तो बुलेट ट्रेन भी वो चला दिए है, इस तरह तो वो भैया इस तरह तो वो बुलेट उनके द्वारा अगर चलेंगे तो हिंदुस्तान पहले पायदान पे पहुंच गया है। लेकिन देखिए तो आप 85 पावदान पहुंचा, डंका बजवा रहे हैं मोदी जी का। डंका कहाँ बज रहा है? डंका यहाँ नहीं बजेगा, यहाँ कांग्रेस जीतेगी, यहाँ से एसपी सिंह पटेल जीतेंगे। एसपी सिंह पटेल क्या लग रहा है यहाँ से? मोदी जी इसलिए आएंगे कि राम मंदिर का निर्माण करवा दिया भाई, वो मंदिर बना है तो जो मंदिर लगेगा वो आएंगे। हाँ तो बिल्कुल आएंगे। और हमारे यहाँ जो सांसद है संगम लाल गुप्ता जी, काम तो किए होंगे संगम लाल गुप्ता, कभी इतना कोई देखा ही नहीं है, कैसे है तो काम बताओगे? पता नहीं कैसे दिखते हैं संगम लाल गुप्ता, कैसे पता नहीं कैसे दिखते हैं, मालूम ही नहीं है, पता नहीं गोरा है काला है, कभी देखा ही नहीं है। अरे बीजेपी के सांसद हैं। अरे यार कभी मैं देखा ही नहीं हूँ तो कैसे
से बता दूं यार, एसी रूम से कोई बाहर नहीं निकलते हैं, आप जब भी निकलेंगे अपनी पांचवा गाल से ऐसे होते हुए निकल जाएंगे, गरीबों को देखेंगे नहीं। आप बताइए, कह रहे सांसद जी को देखे हैं बीजेपी के? अरे यार, हम कह रहे हैं अपने घर वाले को मनाई नहीं देखा, कहा सांसद को कहा देखिए, वो आखिर नहीं है सांसद, कैसे काम हो गया? सांसद ने लाइट लगवाया क्यों देखा नहीं उसको, किसने लाइट लगवाया चौराहे पे, चौराहे किसने किसके माध्यम से लाइट लगी है? हाँ, इतनी मरकरी बड़ी लाइट किसने लगवाया? मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये पंजा लूट जबाना था, कांग्रेस ने अपना काम किया, मोदी जी का जबाना है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, इंडिया अलायंस आ रहा है। आज चेला से सुना ना, हम कहा चाहते हैं चचा उनसे बात करेंगे, क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया कुछ की नहीं? हमारे लिए जी अच्छा अच्छा है, क्या अच्छा होगा कुछ बताइए? अरे बहुत कुछ अच्छा है, जो है कम से कम जो है आदमी सुकून से रह रहा है, सुकून से पहले सुकून से नहीं रहे, पहले कहाँ रहे, क्या दिक्कत थी पहले दिक्कत? अरे दिक्कतें बहुत थी, बहुत दिक्कतें थी, क्या नहीं थी वही दिक्कत बता दो, क्या दिक्कत थी और अब कौन सी दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी अमन चमन से रह रहा है। बच्चे को रोजगार मिला कि नहीं? रोजगार तो नहीं मिला सर, नहीं मिला रोजगार, ना मिला है इस सरकार में ना किसी सरकार में। अरे महंगाई तो कम हो गई, महंगाई भी जो है किसी भी कीमत में कम नहीं है, महंगाई पहले भी थी आज भी है, महंगाई का सामना हर आदमी अपनी मेहनत मजदूरी से कर रहा है, कोई उसके जो है लिए फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा जी, तो महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं? अरे महंगाई कम हो जाए अच्छी बात है, महंगाई नहीं कम है, महंगाई बढ़ी हुई है तो मजदूरी भी तो बढ़ी हुई है, मजदूरी बढ़ गई, हम लोग 5 रुपए में मजदूरी करते थे, आज जो है 300 रुपए मजदूरी है। अब बताओ, कह रहे आमदनी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी कहाँ बढ़ी हुई है? आमदनी अगर ये जिस हिसाब से दादा बता रहे हैं प्राइवेट जिस हिसाब से कर रहे हैं ये लोगों को, अब अगर आप मेडिकल कॉलेज की बात करें 15,000 रुपए पाने वाला 15,000 पाने वाला व्यक्ति अगर उसी अस्पताल में जाएगा और 10 रुपए की पर्ची कटवाएगा, जो पर्ची 1 रुपए में कटती थी वो पर्ची 10 रुपए में कटेगी, जो अल्ट्रासाउंड 300 रुपए में होता था वो 7 रुपए में होने रहा है, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? रेलवे की टिकट का दाम बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया है, जहाँ जहाँ 10 रुपए का होता था वहाँ 100 रुपए का ले रहे हैं, और आमदनी कहाँ बढ़ी हुई है? और चाचा आपको 60 साल उम्र होगी कि नहीं? जी जी। अरे पहले तो आपको पैसा मजबूत रहा, पहले तो टिकट में छूट मिलती थी, अब तो नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी छूट, नहीं मिलेगी, वो भी खत्म कर दिए, छूट नहीं मिल रही है, छूट कहाँ ले? चाचा को मिलती होगी, फायदा बहुत है चाचा को मिलती होगी। भैया आपकी सरकार बदल गई है, आपकी आएंगे डॉक्टर पटेल। अरे चाचा कह रहे हैं मोदी मोदी, अरे मोदी का किए हैं भैया बतावा हमका, मोदी कुछ करे यहाँ ही का करे ने, वो सुबह से लेकर शाम तक तो बेच जाए, क्या बेच, एयरपोर्ट बेचें, रेलवे बेचें, बैंक बेच दे, यहाँ पैसा नहीं निकाल पावत है, का करी बैंक में जमा है बम्बई में, का धन 10,000 महीना ले आओ हम से, ताजमहल बेचत है, आगरा बेचत है, अब की यहाँ बीजेपी के सुपड़ा साफ है, बीजेपी सुपड़ा साफ, और यहाँ से संगम लाल गुप्ता साफ है, देखो संगम लाल गुप्ता साफ इस बार, भाई ये बात को तो मैं नहीं बोल सकता कि संगम लाल गुप्ता गायब है या है या गए हैं या रहेंगे, उसके मामले में नहीं बोल, क्या लग रहा 24 में क्या भैया, 24 में जो आएगा साफ रहेगा, मामला जो भी होगा देखा जाएगा, जो आएगा सामने, मोदी ने कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया है, कि डंका बज गया,